सलामी दोस्तों, कैसे आप? तो उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हमने ना पानी मुर्गी बिठा दिया। इतने दिनों उसमें गैर था, रोज़ मुर्गी बिठाऊंगा, रोज़ मुर्गी बिठाऊंगा। कल रात बिठाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो नहीं बैठी थी। आज सुबह उठ के देखा था वो खुद ही बैठ गई है। मैंने कल रात ऐसे छोड़ दिया था, मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने कहा छोड़ दो, बैठ जाएगी बैठना हो तो बैठ जाएगी। तो आज सुबह देखा तो माशाल्लाह खुद ही बैठ गई है। 12 अंडे रखे हैं इसके नीचे, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। बाकी माशाल्लाह बर्ड वगैरह बिल्कुल मेरे ठीक हो गए हैं सारे। तो बस एक दो रह गए हैं तोते, जिनकी आँखें ख़राब हैं। और ना आपको पता है कितने ज़्यादा मर गए थे हमारे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें भाई, एक दो रह गए हैं। ये वाला वाइट तोता रह गया जिसकी आँखें ख़राब रह गई हैं। इसको ड्रॉप डाल रहा हूँ, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बाकी बस ये रह गए हैं हमारे पास तोते। तो इंशाल्लाह अब थोड़ी सी सर्दी आ रही है तो इनको ब्रीडिंग बॉक्स, ब्रीडिंग सो फूड ब्रीडिंग ये वगैरह सारा कुछ डालेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा नई ब्रीड करेंगे। तो इंशाल्लाह ऐसे ऐसे बस अब सर्दियां आ गई हैं। सर्दियों में वीडियो बनाने का भी मज़ा आता है, ठीक है, और इनको खाना खिलाने का भी मज़ा आता है। क्यों? सर्दियों में हम इनको गर्म चीज़ें सारी दे सकते हैं जो हमें प्रोवाइड होती हैं। तो बाकी एक होटल, पता नहीं अंदर क्या कर रहे हैं, कभी अंदर जा रहे हैं कभी बाहर आ रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह मैंने मुर्गी बिठाई हुई है। ये ना मैंने ईंटे रख के ना चारों साइडों पर अंदर तुड़ी डाल दी थी, क्योंकि ना रात को हो जाती है ठंड। रात को जब ठंड होती है ना फिर हमारे मुर्गे आराम से बैठ नहीं सकते। तो मैंने कहा इनके लिए तुड़ी डाल दें ताकि नीचे ये आराम से बैठ सके। और ये मैंने मुर्गी बिठाई है, देखें 12 अंडे थे, बाकी अंडे 8 अंडे ख़राब थे क्योंकि मैंने पानी में डाल के देखा था। जो अंडा पानी से मैं ऊपर के ऊपर आ जाए ना वो समझो ख़राब है, जो नीचे बैठ जाए पानी में। बर्तन लेना अपने पानी का, उसमें आपने अंडे डाल लेना है। जो ऊपर के जैसे कोई चीज़ तैरनी भी होती पानी पे, अगर वो ऊपर आ जाए तो समझो वो ख़राब है, जो नीचे बैठ जाता अंडा वो समझो ठीक। तो 12 अंडे मेरे ठीक निकले थे, इनमें से मैंने बिठा दिया। और कल बाबा मेरे दाना ले आए थे इनका, ये देखें गंदम, सनफ्लावर के सीड, ये तोता मुर्गियों का दाना, बाजरा, और ये तोतों का दाना, फुल बाल्टी भरी हुई है, ठीक है। तो बस अब सर्दी आ रही है तो इनको बनाने का भी मज़ा आएगा, ठीक है। और माशाल्लाह तोते भी सही ज़्यादा बढ़ेंगे हमारे, फुल अच्छे अच्छे भरेंगे। क्यों? क्योंकि हम इनको ब्रीडिंग वाला दाना देंगे। अभी भी आजकल में थोड़ी गर्मी है लेकिन इंशाल्लाह 10-15 दिन है बस गर्मी ख़त्म हो जानी है, फिर हमने इनको सारा कुछ डालना शुरू कर देना है। यहाँ वो हमारी जो मुर्गी है छोटी, वो भी अंडे वगैरह दे रही है, वो भी उसमें भी क्रुक मला था, उसको ना देसी अंडों पर बिठा देंगे हम। वो रोज़ ना यहाँ अंडा देती है, पता नहीं आज दिया कि नहीं, आज नहीं दिया हुआ। और ये गंदम है, ये हमारा बटेरा, ये देखें। तब इंशाल्लाह रोज़ व्लॉग आया करेगा और रोज़ मैं वीडियो बनाया करूँगा। और ये देखें उन्होंने ना पिंजरे में, लव बर्ड ने पिंजरे में सुराख कर लिया, वहीं से ऊपर आते हैं वहीं से नीचे जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं इन्होंने अंडे दिए कि नहीं दोबारा, एक दफ़ा तो अंडे इनके ख़राब हो गए थे ना। नहीं जी अभी अंडे नहीं दिए, अभी वैसे फीमेल ने ना अपने बॉक्स में गंद किया हुआ। वो पिंजरे का नीचे वाली हिस्सा काट काट के ना अंदर बॉक्स में लेके जा रही है। हालांकि मैंने इसके नेस्टिंग मटेरियल रखा हुआ है बॉक्स में, सारा कुछ रखा है, लेकिन वो और इतनी टाइट वो डंडियाँ पिंजरे की ये वाली, वो उठा उठा के अंदर लेके जा रही है। जैसे ये कर लें, ये पिंजरे की ना ये उठा उठा के अंदर लेके जा रही है, इतनी टाइट है वो। अगर बच्चे अल्लाह करे दे तो बच्चों को लगेगी। इनका पैर पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है, इतने दिन हो गए। इसको मैं पकड़ के भी देखता हूँ, पता नहीं मेल है या फीमेल है, मुझे पता ही नहीं है। ये इनका तो पक्का पता ना, ये बड़ी वाली फीमेल है हमारी और वो वाला मेल है। और बाकी हमारे ये सेल चूजे काफ़ी बड़े हो गए हैं, इसी मुर्गी ने निकाले हमारी, ये ब्लैक वाली मुर्गी ने जो अंडों पर बिठाई है, ये माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये मेरे पास अगर सारे सही होते ना, अल्लाह खैर करे सारे सही होते, तो मेरे पास 15 होने थे। अब 15 में से 3 रह गए, 3
बाकी एक दो बिल्ली ले गई ठीक है, और बाकी सारे मर गए तकरीबन भाई। ये रह गया और ये रह गया मसला, और ये मतलब देखी पूरा हमने सबको रखा हो यहाँ पे ना संभाल के। ये देखे तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और मुर्गी ने आज बिठा दी है तो मैंने भी याद रखना और आपने भी याद रखना कि बच्चे कब निकलने हैं ठीक है। कल रात को बिठा दी थी तो बाकी यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं। और कोई बर्ड्स के बारे में ब्रीडिंग के बारे में पूछना हो तो मैं कमेंट में ज़रूर बता दिएगा, मैं आपके टॉपिक वीडियो बना दूँगा या तो आपको कमेंट में बता दूँगा। तो बस यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं।